फिल्म द केला स्टोरी को लेकर आगरा में आयोजित विशेष शो में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और समाज सेवी मधु बघेल ने आगरा की 500 युवा महिलाओं और बालिकाओं के साथ देखा, जहां द केला स्टोरी फिल्म को सभी को निःशुल्क दिखाया गया। हर चेहरे पर फिल्म देखने से पहले उत्सुकता थी और फिल्म देखने के बाद मन में केरल की बेटियों के साथ हुए अन्याय और क्रूरता के प्रति पीड़ा तथा देश के प्रति समर्पण का भाव देखा गया। फिल्म देखने के बाद दर्शक महिलाओं का कहना था कि देश के हर व्यक्ति को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, जिससे देश की बेटियां परिपक्व तरीके से आगे बढ़ें और धोखे का शिकार ना हो। इस मौके पर उन्होंने द केला स्टोरी जैसे जागरूक करने वाली फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। देखिए, ये जागरूकता वाली पिक्चर बनाई गई है कि नई लड़कियों को जो नौजवान होती है उनको बहका फुसला कर लव जिहाद वाले लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर गुमराह करते हैं और मिसगाइड करके उनको धर्मांतरण करा के ऐसे चक्र फंसा देती हैं जिससे कि उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उस चक्रव्यूह से निकलने से पहले घुसे ना, इसलिए डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाई है। तो आज मैं बस नई जनरेशन को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने ज़मीर से काम करें, अच्छा बुरा समझें और इतनी उसमें ना जाएं जिस तरह से बहुत लव जिहाद चल रहा है, ये चल रहा है। और ये रियल स्टोरी है, पिक्चर से बहुत सीख मिलती है, हर बच्ची को देखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। जय झूलेलाल, मेला समिति की ओर से आज ये निःशुल्क में दिखाई जा रही थी तो हम सभी यहाँ पर आए थे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उनकी तरफ से और मैं चीफ मिनिस्टर योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस मूवी को टैक्स फ्री किया है ताकि काफी लोग इसको आके देख सकते हैं।